हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है हरी मेथी की चटनी बनाना। तो आइए बनाते हैं हरी मेथी से चटनी। मेथी की चटनी बनाने के लिए ये हमने एक मुट्ठी मेथी ली है, इसको हमने धो लिया है और अच्छे से साफ कर लिया है। ये हमने 10 से 12 हरी मिर्च ली हैं। आज हम बहुत ही तीखी चटनी बनाएंगे और ये हमने 10 से 15 हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं। 4 टमाटर लिए हैं, इनको मैंने लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये नमक लिया है स्वाद अनुसार और ये हमने सरसों के दाने लिए हैं। तो आइए बनाते हैं मेथी की चटनी। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन, हरी मिर्च और ये टमाटर डाल दूंगी इसमें और साथ ही मैं ये मेथी डाल दूंगी। इसी मेथी को मैं बचा लेती हूँ और इसे मैं आप ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये हमारी चटनी ग्राइंड हो चुकी है। ये मैंने एक सॉस पैन लिया है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक मैं ये मेथी बारीक कट कर लेती हूँ। और ये हमारी मेथी भी कट कर तैयार हो चुकी है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये सरसों के दाने डाल दूंगी और साथ ही ये मेथी भी डाल दूंगी मैं इसमें। और ये मैंने चौथाई चम्मच देगी मिर्च ली है, इसको भी इसी में डाल दूंगी। और जो मैंने ये ग्राइंड किया हुआ है इसे भी मैं इसी में डाल लूंगी। और अब मैं इसमें इस मिक्सी में थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच मैंने पानी डाला है, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी। और साथ ही मैं इसमें नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। और इसे मैं पकने दूंगी। और ये हमारी चटनी का पानी सोख चुका है, इसे मैं थोड़ा सा और भूनने दूंगी सब चटनी को। और ये हमारी चटनी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। ये मेथी की चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे जरूर ट्राई करें। अब मैं इस चटनी को एक बाउल के अंदर डालूंगी, गैस को मैं बंद कर दूंगी। और ये हमारी मेथी की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।